हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज हम इस वीडियो लेशन में आपके लिए एक अच्छी खबर लेके हाजिर हुए हैं। आईबीपीएस पीओ 2018 जो कॉमन रिटर्न एग्जाम 7th 2017-18 में हुई थी, उसका फाइनल रिजल्ट आ गया और साथ ही उसके सभी कट ऑफ भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं अभी आईबीपीएस द्वारा, और रिजर्व लिस्ट के भी कट ऑफ डिक्लेयर हो गए। कैटेगरी वाइज हैं, आप अपने स्क्रीन पे देखिए कि मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर फॉर रिजर्व लिस्ट। तो मैक्सिमम स्कोर एससी कैंडिडेट का 53.20 है, एसटी का 54.74 है, ओबीसी का 57.18 और अनरिजर्व का 65.58 है। मिनिमम स्कोर जहां तक फाइनल सिलेक्शन हो गया है, एससी का 38.56, एसटी का 33.73, ओबीसी 43.02, अनरिजर्व का 47.04। और मिनिमम स्कोर फॉर रिजर्व लिस्ट, जहां तक के रिजर्व लिस्ट रिजर्व कैंडिडेट्स जो डिक्लेयर इन्होंने जो किए हैं वेटिंग के लिए, तो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं वो आपके एससी के 38.22 तक हैं, एसटी के 33.33 तक हैं, ओबीसी 42.69 और अनरिजर्व 46.65। ये जो मार्क्स हैं, ये आपका जो मेन एग्जाम था और इंटरव्यू, उनको उनकी स्केलिंग की 100 के लिए और आउट ऑफ 100 ये मार्क्स फिर हुए हैं। उनका वेटेज आपको आइडिया है 80-20, उनका वेटेज 80% मेन एग्जाम का था, 20% आपके इंटरव्यू का था और उसको फिर स्केलिंग कर लिया 100 के लिए। तो ये 100 आउट ऑफ 100 ये मार्क्स हैं। तो और भी आपको जो ऑफिशियल आपका खुद का रिजल्ट चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक नजर आएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा साइट, जिस पे जाके आप खुद का स्कोर कार्ड देख सकते हैं और भी कोई डिटेल आपको चाहिए वो आप मिल जाएगी। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेट्स, और जो किसी कारणवश नहीं हो पाए उनको आगे की एग्जाम्स में वो बेटर तैयारी करें। अभी नोटिफिकेशन खूब आएंगे, ऐसे क्लर्क से शुरू होके और फिर ये आगे चलते रहेंगे, पूरी साल एग्जाम्स का ही दौर है अब आगे जून से लेके दिसंबर तक। तो आप कोशिश कीजिए, ईश्वर आपको कामयाबी जरूर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस टाइम।